देख रहे हैं खटपट न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट पेश करने के बाद देश में सियासत गर्माने लगी है। कांग्रेस के नेता जहां इस बजट को खराब बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा इसे सभी वर्गों के हित का बजट करार दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी बजट पर नेता मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। अब मंत्री अमरजीत भगत ने भी इस बजट को लेकर अपना पक्ष रखा है। मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को इसमें नजरअंदाज किया गया है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली केंद्र सरकार ने बजट में इस पर कोई बात नहीं की। कोविड-19 में कई छोटे उद्योग बंद पड़े हैं, इन्हें शुरू करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किए। किसानों को 1.5 गुना MSP देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन 3 कृषि कानूनों से निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ग लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में कहें तो छत्तीसगढ़ के लिए नया कोई परियोजना या बड़ा कोई काम यहाँ के लिए उनके कार्य योजना में नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ भी नज़रअंदाज किया गया। मोदी जी कहते थे कि हम युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसके लिए कुछ नहीं इसमें प्रावधान किया गया। कोविड पीरियड में जहां बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे बंद हुए, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार। उधर भाजपा के नेता बजट को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री अमरजीत भगत पर पलटवार करते हुए कहा कि ये जानबूझकर ना देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बजट में 16,50,000 करोड़ रुपए किसानों के ऋण लेने की व्यवस्था की गई है। 1.5 गुना MSP करने का आश्वासन दिया है। सिंचाई के लिए व्यवस्था की गई है। बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी कूप मंडूप हो गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार तो खुद कुछ नहीं कर पा रही है, इससे उन्हें लगता है कि बाकी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज 16,50,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए ऋण लेने की व्यवस्था की है, साथ में 22 ऐसे पेरिसेबल आइटम हैं जो खराब होने वाले हैं, उन आइटमों को अलग से सूची में लिया है, साथ में 1.5 गुना MSP करने का आश्वासन दिया है, ड्रिप इरिगेशन के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, सिंचाई के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, और इन सब के बाद भी बाकी जो केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं हैं, उन सब अन्य योजनाओं को भी पूरे देश में लागू किया जाएगा, इस बात को कहा गया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का पहला कागज रहित बजट पेश किया। उन्होंने इस बार बजट पत्र की जगह टैब का इस्तेमाल किया। अब जब बजट पेश हो चुका है तो जाहिर है विपक्ष इसका विरोध ही करेगी, और सत्ता पक्ष बजट की बुराई कर ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।